हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज की वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल ने देखा होगा कि मैंने एक पेटीएम बॉक्स में ब्लूटूथ की तरह, साउंड बॉक्स की तरह मैंने गाना मोबाइल से कनेक्ट करके बजा के दिखाया है। तो मैं इस वीडियो का यही मेरा उद्देश्य बनाने के लिए कि जिनके पास भी पेटीएम बॉक्स पड़ा है, हर दुकान वाले के पास अक्सर रहता है, वो रखा ही रह जाता है, ख़राब होने के बाद उसको यूज नहीं करते। तो मैं इसको बोलना चाहूँगा कि उसका आप यूज कर सकते हो। इसमें आप म्यूजिक अपना जो ब्लूटूथ साउंड की तरह यूज कर सकते हो इसको। जिस ट्रिक से मैंने बनाया है, आप इसको फॉलो करके आप भी उसको उसी ट्रिक से यूज कर सकते हो। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसे यूजफुल और अमेजिंग गैजेट का वीडियो आपको एवरी टाइम हमेशा मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बता दें कि ये जो साउंड बॉक्स पेटीएम का आता है, दो क्वालिटी के आते हैं। ये कि ऐसा वाला रहता है बड़ा वाला, जिसमें डिस्प्ले रहते हैं, आप इसमें भी वो जो मैं तरीका बताऊँ इसमें भी यूज कर सकते हो, इसमें भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये 2.0 मॉडल है, इसको V2 बोलते हैं। ठीक है, पेटीएम में अक्सर दोनों, हर किसी दुकान पे दोनों मॉडल अवेलेबल रहते हैं। तो चलिए एक बॉक्स में हम फिट करके बताते हैं आपको किस तरीके से साउंड कुछ। ये बड़े वाले को मैं रख देता हूँ, अभी सिर्फ छोटे वाले में बता देता हूँ। जैसे ये छोटा वाला जो बॉक्स है हमारे पास, इसमें जो ब्लूटूथ सिस्टम सेट करने के लिए हमको एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ेगा। ज़रूरत ये पड़ेगा, जैसे हमारे पास ख़राब है ब्लूटूथ हेडफोन जो होते हैं, ब्लूटूथ जो ख़राब हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नया यूज कर लीजिए, ख़राब अक्सर होते ही हैं। ख़राब तोड़ के इसको जैसे अंदर से इसको निकालेंगे तो हमको अंदर से इसकी एक प्लेट निकलेगी, ऐसा ना, छोटी सी एक बैटरी होगी। बैटरी की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमको ये प्लेट की ज़रूरत है, जिसको बोलते हैं ब्लूटूथ मॉड्यूल। ठीक है, ऐसा लगा रहता है ना ब्लूटूथ के अंदर, जो चार्जिंग कुछ भी ज़रूरत नहीं है हमको, ना चार्जिंग की ज़रूरत है इसकी, क्योंकि सब कुछ इससे होगा, ये डिवाइस से होगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको करते हैं ओपन और आपको पूरा करके दिखाते हैं। तो इस साउंड बॉक्स को ओपन करने के लिए हमको सबसे पहले देखिए, साउंड बॉक्स को बैक साइड करेंगे तो एक नुकीले चीज़ के, ये देखिए थोड़ा सा इसमें ब्लैक टिक्की जैसा लगा हुआ है, इसके नीचे स्क्रू रहता है, इसको देखो धीरे धीरे रिमूव कर, देखिए स्क्रू भी इसके अंदर लगा हुआ है। तो इसी तरीके से हम चारों को रिमूव कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से जैसे रिमूव करेंगे तो हमारा जो है इसके अंदर जो स्क्रू है उसको ओपन कर लेंगे। तो चलिए हम फटाफट इसको कर लेते हैं ओपन। तो दोस्तों, जैसे इसको हम ओपन करेंगे तो हमको देखने को अंदर मिलेगा कि यहाँ पे अंदर की तरफ जो है कि सिम स्लॉट दिया रहता है, बैटरी का दिया, चार्जिंग पिन। तो हम इन सबको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, इसके अंदर जो बैटरी है कुछ भी हमको इसके अंदर एडिशनल नहीं करना है। बस अपने जो ब्लूटूथ डिवाइस में से प्लेट निकाले हैं, इसको ध्यान से देखेंगे जहाँ पे हेडफोन का वायर जाता है, जो कान के पास जो हेडफोन हम लोग लगाते हैं उसमें, देखिए यहाँ पे दो वायर यहाँ लगा रहता है, दो वायर वहाँ पे लगा रहता है। तो हम इसमें दो वायर सोल्ड कर देंगे। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छे तरीके से दो वायर को मैंने इसमें अटैच कर लिया है। अभी हमको करना क्या है कि ये जो दो वायर को हमने इसमें सोल्ड किया है, ये दोनों वायर को ले जाके जो इस बैटरी का जो ये देखिए स्पीकर का वायर है, लिखा है ना स्पीकर, ये देखिए स्पीकर लिखा हुआ ना, स्पीकर प्लस, स्पीकर माइनस, ये पॉजिटिव, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सीरीज। ये ब्लैक वाला ब्लैक से जुड़ा है, रेड वाला रेड से। तो कहीं पे भी लगा सकते हैं, रेड का अगर यहाँ पे लगाएंगे तो इसका कनेक्शन यहाँ तक रहता है, ब्लैक का ब्लैक में रहता है, तो दोनों सीरीज जो है एक ही होते हैं। हम इसको शोल्ड कर देते हैं। तो हम यहाँ पे एक ब्लैक वायर जो है, जहाँ पे ब्लैक लगा है वहाँ पे हम ब्लैक वायर को शोल्ड कर देंगे। और यहाँ पे हम रेड को भी कर सकते हैं, तो थोड़ा हम यहाँ पे दूर कर दे रहे हैं क्योंकि वहाँ पास में सट जाएगा, तो रेड वायर को इस तरफ लगा दे रहे हैं। इस तरफ भी लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये देखिए हमारा जो है ब्लूटूथ डिवाइस रेडी हो गया है। यही डिवाइस इसके अंदर सेट करना था बस, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ये और कुछ भी इसमें करना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बॉक्स के अंदर जगह है, यहाँ पे हम इसको इसी के अंदर फिट कर देंगे। इसके जो बैटरी की, मैं बैटरी चाहूँ तो ये रिमूव करके इसमें से जो इसका बैटरी इसमें से कनेक्शन कर सकता हूँ। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी समझने में प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए हम इसको यहीं पर सेट कर देते हैं। तो थोड़ा सा ऑन करके देखते हैं कि जो है कैसा ये चल रहा है। तो चलिए ठीक है, इसको हम अभी प्लेट को अंदर डाल देते हैं। ये देखिए इंडिकेटर देने लगा। ठीक है, ये जो है ऑन हो चुका है, तो इसको मैं इसके अंदर ही वायर को फिट कर दे रहा हूँ। चलिए इसके हम कवर को भी बंद कर लेते हैं, बाकी वायर को इस तरीके से करके।
तो ये जो है हमारा बॉक्स फिट हो गया है, इसके हम स्क्रूप को यहाँ पे लगा लेते हैं। तो ये जो है हमारा पूरा बॉक्स जो है रेडी हो गया है। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको जो बटन है इसको पावर ऑन करते हैं। ये देखिए पावर इसका जो है ऑन हो चुका है, इंडिकेटर रेड कलर का जो है इंडिकेट कर गया। मैं माइक को ला रहा हूँ, जैसे चालू होगा तो पेटीएम का आवाज़ आएगा पहले। पेटीएम करो, जैसे चालू हुआ पेटीएम की तरह इसका जो आवाज़ है पेटीएम का आया। तो चलिए अभी इसको हम मोबाइल में कनेक्ट करते हैं। तो हमने मोबाइल में ये देखे ब्लूटूथ को ऑन किया है। यहाँ पे देखिए जो मैंने इसमें प्लेट डाला है ओबॉन का, जो इसके अंदर ब्लूटूथ मॉडल डाला था ना ओबॉन का, तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके देखिए कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, ये देखिए कनेक्ट हो चुका है। तो हम कुछ गाने को प्ले करते हैं इसमें। थोड़ा सा इसके चलिए हम कोई भी गाने को हम इसमें बजाते हैं, ये आवाज़ इसका कैसा किस तरीके से आ रहा है। सर्च कर लेते हैं एक सॉन्ग, एक NCR नॉन कॉपीराइट म्यूजिक को सर्च करते हैं कि जिससे हमको YouTube कोई भी एक गाने को प्ले कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों अभी मैं माइक को ले जा रहा हूँ पास में, तो अभी आप सुन रहे आवाज आ रहा होगा। अच्छी तरीके से इसमें शामिल आ रहा है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।